सबसे पहले पिशावर धमाके की अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि जनरल फैज की एक कप चाय जो है वो हमें बहुत महंगी पड़ी, और जो उन्होंने अफगानिस्तान जाकर काबुल जाकर उनकी पिक्चर्स आ रही थी और वो बड़ी चाय पी रहे थे और कहवा लेकर वो बड़ा लोगों के साथ खड़े थे जब तालिबान की गवर्नमेंट बनने की अनाउंसमेंट होने वाली थी, तो वो चाय का कप पाकिस्तानियों को अपनी जाने देकर अदा करना पड़ा, उसका जो बिल होता है या उसका जो भी खर्चा था शायद, क्योंकि ना ये लोग जाते, पहले इन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया, हर तरह से इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने कहा कि जी हम तो उनके साथ खड़े हैं, और इन्होंने कहा, शेख रशीद साहब का अपने नाम लिया, शेख रशीद का कहना था कि जी हमारे यहाँ उनके इलाज होते हैं, हमारे यहाँ उनकी फैमिलीज रहती हैं तालिबान की, बल्कि कई तालिबान के लीडर जो है वो पाकिस्तान में पैदा तक हुए, और हम जी तालिबान के साथ हैं, उसके बाद हमने उनकी गवर्नमेंट बनाई, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी तक आप जानते हैं कि हर जगह जाकर या कोई आ जाए या वो खुद कहीं चले जाए तो वो तालिबान के लिए फंड्स मांग रहे होते हैं, जिसके लिए तालिबान ने भी कहा है कि जी हमारे लिए आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए ही मांगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है कोई भी पाकिस्तान के विजिट पर आए, चाहे बिल गेट्स ही क्यों ना हो, उन्होंने बिल गेट्स से भी यही कहा कि जी आपको अफगानिस्तान की मदद कीजिए और तालिबान की मदद कीजिए। तो ये जब सब कुछ कर रहे थे और ये इन लोगों को पाल रहे थे और ये उनका साथ दे रहे थे, तो अब लाशें उठाते हुए इनको हैरत क्यों है? इनको हैरान नहीं होना चाहिए, इन्हें किसी दूसरे मुल्क के ऊपर या किसी दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से मेरा मतलब है पाकिस्तान की फौज, जिसके लिए लोग बार बार कहते हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट से क्या आपका मतलब होता है। तो जी इन्होंने जिस तरह से साथ दिया तालिबान का, और उस वक्त कहा गया कि जी टीटीपी को भी ये कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, उसका ये रिजल्ट है कि अभी ये पहला है ना ये आखिरी है, इससे पहले क्वेटा में हो चुका है ब्लास्ट, और इस वक्त केपीके में बहुत बड़ा ब्लास्ट किया गया है, और आगे ये सिलसिला हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, और यही चीज जो है इसको रोकने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही थी। सब जो मीडिया के लोग हैं जो कुछ थोड़ी बहुत सेंसिबल बातें करते हैं, उन्होंने इन्हें कहा था कि इनका साथ मत दीजिए, साइड पर रहिए, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। जहां तक इमरान खान साहब की आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान क्यों नहीं गए और वहां जाके उन्होंने क्यों अफसोस नहीं किया, तो उन्होंने तो कभी भी नहीं किया, वो तो हजारा के लोग अपने लोगों की लाशें लेकर बैठे रहे, डेड बॉडीज के साथ सड़क पे कितने दिन बैठे रहे, उनको इन्होंने कहा कि ब्लैकमेल। भाई शियों का की मर्जी थी पाकिस्तान बनाना, तो बन गया, संभालिए। आपने तो खुद जिन्ना साहब शिया सारे वो यूपी बिहार इधर उधर के जो भी जियाले थे मुस्लिम लीग के, उनको ज्यादा तकलीफ थी ना कि पाकिस्तान बनाएंगे, बना लिया, भुगतिए। जो बाकियों ने बनाया था बंगाल में, मुस्लिम लीग जीती थी, उन्होंने भी भुगत लिया। बाकी जैसे भी करवटे आप लें, कभी मुसलमानों ने शियाओं को एज मुसलमान माना ही नहीं है। इनको अरबी में रिफादीन या कुछ इस तरह कहते हैं, यानी पीपल हु हैव रिजेक्टेड इस्लाम। और हिंदुस्तान वाहिद जगह थी जहां शिया मुसलमानों को पनाह मिलती थी। तो शियाओं ने हिंदुस्तान की कमर में छुरी घोंप दी और अलग से पाकिस्तान बनाया। तो वो सिर्फ नहीं है, अहमदी भी बड़े आगे आगे थे पाकिस्तान बनाने के चक्कर में, उनका भी हशर आपने देख लिया। तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, पैड़े कम्मा दे पैड़े नतीजे। ये व्हेन यू डू थिंग्स आउट ऑफ स्पाइट इट विल कम टू हॉन्ट यू इन द फ्यूचर। आपकी नीयत ही गलत है, आप जिस धरती पे पैदा हुए उससे आपने बगावत की, बगावत का बिट्रे किया कि हिंदुस्तान में आप आए, सेटल डाउन हो गए, कुछ हमारे जैसे लोग, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कन्वर्ट हुए इस्लाम में, सब किसी को कोई इजाज़त नहीं, लेकिन जाते जाते हमने उसके दोनों बाजू काट दिए। और देखा, बोला देखा कैसा मजा आया, अंग्रेज का काम करके चले गए, इंडिया के टुकड़े कर दिए। तो भूख दिए, कभी इस्माइलियों को मारते हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, कभी वो
अहमदियों को, जिन्होंने पूरा अंग्रेज के कहने पे जो पंजाब की सिविल सर्विस थी उसमें काम किया पाकिस्तान बनाने में, शियों ने बड़ा काम किया। सो वी आर हार्वेस्टिंग व्हाट वी प्लांटेड इन सॉइल एंड दिस विल नॉट गो अवे।